अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एचएनएस में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। राकेश जी, क्या वो आज बहुत सैड है? राकेश जी एकदम सैड लग रहे हो आप। अभी हमने आपका लाइव भी देखा। राकेश जी मैं सिर्फ मेरा घर बसाना चाहती हूँ। थोड़ा आगे आइए राकेश जी। मैं सिर्फ मेरा घर बसाना चाहती हूँ भाई। देखो मैं जिम में आई हूँ डिप्रेशन के बाद। इसके नीचे मत दिखाओ क्योंकि मैंने, आप समझ रहे हो, थोड़ा हम समझ रहे हैं क्योंकि जिम में तो ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं। अभी मैं बुरखा पहन के साड़ी पहन के जिम तो नहीं कर सकती भाई, आप समझ सकते हैं। जिम में तो ऐसे कपड़े पहन के करना पड़ेगा ना। बराबर। मैं बहुत दुखी हूँ। कल आदिल ने माफी मांगी कुरान पे हाथ रखे कि मैं कभी उस लड़की से नहीं मिलूंगा, और थोड़ा टाइम के बाद पोस्ट कर दिया। वो क्या क्या पोस्ट किया? सुशांत सिंह वाला, वन रुपीस वाला। क्या है वन रुपीस? एक रुपया एक रुपया। वो तो सच ही है, वो तो सच ही बोला है मैंने। मैंने सोचा था कि आज मैं नहीं रोऊंगी, अब मेरी खुशियां आएगी, लेकिन नहीं। शायद मुझे लगता है मेरी जिंदगी में इतनी तकलीफें क्यों आ रही है। शायद मैं सही ढंग से नमाज नहीं पढ़ रही हूँ। मैं वजू कर रही हूँ, मैं सर ढांक के नमाज पढ़ रही हूँ, या कहाँ मेरी गलती हो रही है? इतनी मुसीबतें क्यों आ रही है? शैतान मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। मैं बाइबल पढ़ती हूँ, मैं प्रेयर करती हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं कुरान पढ़ती हूँ, मैं प्रेयर करती हूँ, लेकिन तकलीफें मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। कल आपके सामने मैंने, मीडिया के सामने मैंने कहा था कि आदिल वापस घर आ गए हैं। मैं इतनी खुश थी कल, लेकिन बाद में मैंने उनका पोस्ट देखा, समझ में नहीं आ रहा मुझे। और आदिल अपने दोस्तों से कहते कि मैं राकेश साहब को एक दिन दुनिया के सामने पागल साबित कर दूंगा, कि ये कभी कुछ मेरे खिलाफ बोलती है और कभी पैचअप करती है। आदिल मैं सिर्फ अपना घर बसाना चाहती हूँ। घर उजाड़ने वाले लाखों करोड़ों बैठे हैं यहाँ। कौन सी लड़की है जो इतने सारे गुनाह एक आदमी का माफ करके आदमी को वापस लेगी? क्योंकि मुझे आप चाहिए, आप मेरे शोहर हैं, आप मुझे चाहिए। इसलिए मैं आपको बार बार माफ कर रही हूँ आदिल। छोड़ने के लिए वक्त नहीं लगता। आप झूठ झूठ कहते हैं कि मैं क्या बर्दाश्त कर रहा हूँ, जिसे मैंने बता दिया ना मैं क्या बर्दाश्त कर रही हूँ। मुंबई में, इंडिया में, समाज के सामने एक पल आप टिक नहीं पाएंगे। और आपको पता है मैं सच बोल रही हूँ, मैं कैसा बर्दाश्त कर रही हूँ ना आदिल, आप जानते हैं आदिल। कोई लड़की अपनी जिंदगी का ड्रामा नहीं कर सकती। कल रात को मैं चैन की नींद सोई, तब मेरा पति आ गया है। हम साथ में बिस्तर में सोए, खुश थी कि मेरा हस्बैंड वापस आ गया है। तो अभी कल मैंने ये कमेंट सुन के पढ़े, वो मेरे खिलाफ मेरे फैंस को और देश की जनता को करना चाह रहे हैं बगैर मेरे कसूर के। आदिल मत करो, आदिल एक बार डिसीजन ले लो, आपको मेरे साथ रहना है या नहीं रहना है। मुझे रोज मुझे मत मारो, रो के मर रही हूं मैं। आदिल मत करो, आदिल ऐसा। आदिल खुद अपना हाथ अपनी कार में तोड़ते हैं, ऐसे मारते हैं, खुद अपना सर ऐसे फोड़ते हैं और वीडियो बना के मेरा नाम लेते हैं कि देखो मैं भी दुनिया को बताऊंगा तुमने मुझे कहां कहां मारा। इतने बड़े साइको केस है आदिल। आदिल मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि हमारे घरेलू और पर्सनल दुनिया के सामने आए,
लेकिन आप मुझे बदनाम कर रहे हो। आदिल मुझे बदनाम मत करो, मैं वैसी लड़की नहीं हूं। लेकिन बार बार सलमान खान का नाम क्यों ले रहे जो आप ये साहब? सलमान खान का नाम क्यों ले रहे? सलमान खान को आदिल से कोई लेना देना नहीं, आदिल पे थुके भी नहीं सलमान खान। जिसे भी आप लाए, वो मेरा भाई है, तो उसने मेरी माँ के कैंसर के लिए सिर्फ मदद करी है। जैसे कि अभी आप लाइव में बोल रहे थे, सलमान खान का गैर उपयोग कर रहे वो नाम का, वो पूरे दुनिया को बताना चाहते हैं, यू नो, वो दो चार एक्टरों का इंसिडेंस दिखा के, ताकि पूरे देश की जनता उसकी तरफ आके सॉफ्ट कॉर्नर हो जाए। भाईजान भाईजान है, उसको कभी फोन भी नहीं किया, सिर्फ मेरे हालचाल पूछते, मेरी माँ के हालचाल पूछते, और उनको बुरा लगा कि वो शादी का डिनाई किए थे। तो मतलब यार, कोई इंसान शादी कर लेता है और डिनाई कर रहे हो, सारे प्रूफ है कोर्ट का, मैरिज का, निकाह का। देबो, मैं एक इंटरव्यू दे रही हूँ, देबो लीना, मैं फोन करती हूँ। क्या हो गया थे बोले ना? नहीं अच्छा लग रहा है मुझे भी देबो, देखो मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा, मेरी जिंदगी का तमाशा हो गया है, मेरी जिंदगी का तमाशा हो गया है देखो, मेरी जिंदगी का तमाशा हो गया है देखो। मैं कहाँ जाऊँ दुनिया छोड़ के, मेरी माँ भी मरी है। आदिल मुझे परेशान कर रहा है, घर में अच्छा रहता है, मीडिया में अलग भूल रहता है। वो रोजमर्री खाना भी नहीं खा रहता है। वो बार बार रितेश का नाम लेता है। दोस्तों देखो मैं कितना इनोसेंट हूँ, इसने रितेश के साथ ऐसा किया, रितेश ने मेरे साथ क्या किया था। वो बार बार रितेश का नाम लेता है, झूठ बोलता मैं मारती हूँ करके झूठ बोलता है। मैं क्या करूँ, मैं एक औरत हूँ, मुझे रोने के अलावा मैं क्या करूँ? मेरे सारे दोस्तों को, वो अपने दोस्तों को किसी को ब्लॉक नहीं करता है, मुझे सबको बोलता ब्लॉक कर ब्लॉक कर ब्लॉक कर। खाना तक नहीं खा रही हूँ मैं, रोज एक टेंशन। रोज मुझे कह रहा था मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, वो लड़की के लिए मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं डाइवोर्स दे रहा हूँ। मैं रोज उसके पैर पकड़ती थी, मत जाओ मुझे छोड़ के, हमारा निकाह हुआ है। वो लड़की उसको फोन करके बोलती है छोड़ो घर मेरे घर आ जाओ, छोड़ो घर मेरे घर आ जाओ। मैंने खुद सुना अपने कान से, फिर मैंने बोला चलो निकलो, फिर बराबर घर में बैठ गया। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए और बेल आइकन भी दबा लिए, ताकि हमारी हर खबर आप तक पहुंचे।